आर्नोल्डिक्स की बात यहां पर की जा रही है, प्रोफेसर आर्नोल्डिक्स जिनसे अभी हमारे सहयोगी राकेश पांडे बात कर रहे थे। तो आर्नोल्डिक्स जिन्होंने उत्तरकाशी में टनल में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का जिम्मा संभाला है, वो कौन है? तो वो हम आपको यहां पर बता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक इंजीनियर रिस्क मैनेजमेंट में जीनियस है, आर्नोल्डिक्स के बारे में यह बताया जा रहा है। इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आर्नोल्डिक्स, साथ ही अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ट्रांसपोर्ट रिस्क में विशेषज्ञता है, एक्सपर्ट है। थाईलैंड समेत दुनिया में टनल ट्रैप में फंसे लोगों को इन्होंने बचाया भी है और ऑस्ट्रेलिया एशिया के बेस्ट टनल प्रोफेशनल्स का पुरस्कार आर्नोल्डिक्स को मिला है। अग्नि सुरक्षा में दुनिया के कई पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है। जून 2022 में NFPA के सर्वोच्च पुरस्कार से आर्नोल्डिक्स को सम्मानित किया गया है और अभी आर्नोल्डिक्स पूरी जिम्मेदारी यहां पर संभाल रहे हैं और स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाई है, पूरी तरह से फोकस नजर आ रहे हैं और खुश भी नजर आ रहे हैं। और खुश इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि जो मेहनत लंबे वक्त से की जा रही थी अब उस मेहनत का फल मिलने वाला है। तो आर्नोल्डिक्स सिल्कियार टनल में चल रहे ऑपरेशन का जायजा लेने आज पहुंचे थे, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन की रणनीति पर क्या क्या कहा यह भी हम आपको बताते हैं। जब हमारे सहयोगी ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मिशन मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, रेस्क्यू में एक हफ्ते का समय लग सकता है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही हिमालय क्षेत्र के मुताबिक रणनीति यहां पर बनाई जाएगी, हिमालयन रेंज है तो यहां की चुनौतियां अलग रहती हैं, चोटी से सुरंग में वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे यह भी उनकी तरफ से कहा गया और 100 फीट की वर्टिकल ड्रिलिंग काफी है, यानी 100 फीट की वर्टिकल ड्रिलिंग काफी है। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो हाथ से भी सुरंग खोदेंगे, सिर्फ बड़ी बड़ी मशीनें नहीं, हाइड्रो प्रोजेक्ट वाली रणनीति यहां पर कारगर साबित होगी। ये आर्नोल्डिक्स जो कि प्रोफेसर हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ से कहा गया है। और चलिए एक बड़ी खबर